विरासत की इस खास श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और इन दिनों आप देख रहे हैं सुर सम्राट कुंदन लाल सहगल की दास्तान। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जम्मू में पले बढ़े कुंदन ने रामलीला में सीता की भूमिका निभाई और टाइपराइटर तथा साड़ियां बेचते बेचते महानायक बन बैठे। उन्होंने देवदास का किरदार अदा किया और इसे फिल्म इतिहास में अमर बना दिया। इसके बाद सहगल की जिंदगी ने नई करवट ली। उन्होंने आशा रानी को अपनी जीवन संगिनी बनाया। देवदास के बाद उन्होंने न्यू थिएटर्स की 15 फिल्मों में काम किया। इनमें 9 हिंदी और 6 बांग्ला की हैं। इसके बाद वो जा पहुंचे माया नगरी मुंबई। इस एपिसोड में देखिए कुंदन लाल सहगल के यश का शिखर और उस शिखर के सूनेपन की दास्तान। करूं क्या आसन रास भई, करूं क्या आसन रास भई, करूं क्या आसन रास भई, करूं क्या आसन रास भई। सहगल के नाम से अब फिल्में बिकने लगी थी। कभी कभी सहगल सोचते ऊपर वाले ने तो छप्पर फाड़ कर दे दिया। न्यू थिएटर भी एक के बाद एक नई फिल्में ला रहा था। एक नजर इन फिल्मों पर। 1936 में आई करोड़पति और पुजारिन, 1937 में प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के गाने तो आज भी लोगों की जबान पर हैं। एक नजर गीतों पर। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा। एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, देश देश की हर की खातिर अपने घर से निकला, देश देश की हर की खातिर अपने घर से निकला। अगले साल आई फिल्म धरती माता। फिल्म सहकारी खेती और किसानों की समस्याओं पर थी। इन मुद्दों को पहले प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन में मुंशी प्रेमचंद उठा चुके थे। फिल्म में इसका असर साफ तौर पर दिखाई देता था। संगीतकार थे पंकज मलिक। इसका एक कोरस आज भी झूमने पर मजबूर कर देता है। इसे सहगल के साथ पंकज मलिक, उमा शशि और केसी दे जैसे दिग्गजों ने गाया था। देखिए इसका एक अंदाज। सुख की नदिया जीवन नैया, आशा के पतवार लगे, ओ नैया के खेलने वाले, ओ नैया के खेलने वाले, नैया तेरी पार लगे, पार बसत है देश सुनहरा, पार बसत है देश सुनहरा, किस्मत छै न तबीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। जहाँ है राह गुजर रही है। धरती माता का जादू उतरा भी न था कि सहगल का एक और तिलिस्मी शाहकार सामने आया, स्ट्रीट सिंगर। इस फिल्म के पर्दे पर कुंदन लाल सहगल ने एक ऐसी नायाब रचना पर्दे पर दी जिसे गाए बिना कोई भी हिंदुस्तानी आज गायक नहीं माना जाता। जी ये है बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। अंगना तो पर्वत भया और देरी भई विदे, ले घर बाबुल अपनो मैं चली पिया के दे, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए मोरा।
कि इस गाने की शूटिंग होनी थी, लाइव सड़क पे बाजा गले में टांगा हुआ और चले जा रहे हैं गाते हुए। तो वो गाना उस जमाने में साथ में ही माइक चलता था और साथ में ही म्यूजिशियंस भी चलते थे। तो एक बैलगाड़ी के ऊपर तबला और सारंगी वाले लोग बैठे और वो म्यूजिक वहाँ बजा रहे हैं और ये चले जा रहे हैं, उसी पे कैमरा लोडेड है और उसी के ऊपर सारी शूटिंग हो रही है और एक जगह गड्ढा आ गया और सब उलट गया। 1939 में अपने तरह की एक और नई फिल्म आई दुश्मन। उस दौर के हिंदुस्तान में टीबी की बीमारी बड़ी भयानक मानी जाती थी, लाखों लोग हर साल मरते थे। ये फिल्म टीबी के खिलाफ जागरूक बनाने पर जोर देती थी। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, इसका मुझे दुख है, शायद आप लोगों को भी इसका दुख हो। काश ये जुदाई की घड़ी टल जाती, लेकिन होनहार को मिटाना आदमी की ताकत से बाहर है। उन दिनों के वाइसरॉय की पत्नी के खास अनुरोध पर यह फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का एक गीत, या पूछे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए, मिटती आस है जो तकियन की, मिटती आस है जो तकियन की, समझो गई तो गई, करूं क्या आस निरास गई। दुश्मन के बाद अगले साल यानी 1940 में आई जिंदगी। इस फिल्म ने भी खूब लोकप्रियता बटोरी। इसे सहगल की फिल्मी कैरियर की शानदार फिल्म माना जाता है। भारतीय सिनेमा को पहली लोरी इसी फिल्म ने दी। एक नजर। ठीक है, लेकिन सुनो, शादी हो या ना हो, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ। सहगल औसतन हर साल एक या दो फिल्में दे रहे थे। 1942 में सहगल की अनोखी भूमिका वाली फिल्म आई लगन। वो एक कवि और गायक के किरदार में नजर आए, लेकिन अपनी ही हीरोइन के खिलाफ एक नकारात्मक चरित्र के साथ। न्यू थिएटर ने कामयाब फिल्में हिंदी और बांग्ला भाषाओं में बनाने की परंपरा शुरू की थी। इसके दो फायदे थे, एक तो कम लागत में दो फिल्में बन जाती थीं और दूसरा ये कि दोनों फिल्में अलग अलग मुनाफा कमाती थीं। इस कड़ी में लगन का बांग्ला संस्करण परिचय के नाम से, दुश्मन जीवन मरण के नाम से, स्ट्रीट सिंगर साथी के नाम से, प्रेसिडेंट दीदी के नाम से, धूप छांव भाग्य चक्र के नाम से और धरती माता देशेर माटी के नाम से बनी थी। लेकिन दीदी सहगल की पहली बांग्ला फिल्म थी जिसमें वो हीरो थे और बांग्ला में गाने भी गाए थे। इसके बाद
सहगल समूचे बंगाल में लोकप्रियता की चोटी पर थे। ग्रेट पॉइंट अबाउट सहगल वॉज ही वॉज ए बाइलिंगुअल आर्टिस्ट ऑल्दो ही वॉज नॉट ए बंगाली ही हैड अपीयर्ड इन मेनी ऑफ द बंगाली फिल्म्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यू थिएटर्स ही हैड स्पोकन द लैंग्वेज इन बंगाली एज एनी बंगाली वुड हैव डन एंड ऑल्सो हैड सांग सॉन्ग्स इन बंगाली। রাধার বড় লজ্জা হলো। তারপর তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কি বললেন? বন্ধু বন্ধু আমি পাই লাজ, আজকে তোমার লাজে দবনের বাতা কহে সখী কথা আর কি ছল না সাজে। कुंदनलाल सहगल का बांग्ला पर अधिकार इतना जबरदस्त था कि खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपने गीत गाने की इजाजत दी थी। गुरुदेव के चाहने वालों के लिए ये चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि गुरुदेव अपने गीतों की गायन शैली और संगीत के मामले में कोई समझौता नहीं करते थे। जब पीसी बरुआ मुक्ति फिल्म बना रहे थे तो पंकज मलिक ने कहा कि इसमें हम रविंद्र संगीत इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने गुरुदेव परमिशन देंगे तो गए। और फिर उसमें जो एक गाना है जो मेरे ख्याल में नेशनल सॉन्ग ही बन गया उस दौर का, तो वो फिर वहाँ उन्होंने कहा कि कोई आदमी रविंद्र संगीत गाता है ऐसा जानते हो तुम उसको? तो मैं उसके हमारे साथ ही कल उसको मैं सुनना चाहता हूँ। फिर ये लेके गए उनको शांति निकेतन, उन्होंने आमने सामने सुना और बहुत तारीफ की। बहरहाल हम बात कर रहे थे सहगल के फिल्मी सफर की। न्यू थिएटर में उनके पांव जम चुके थे, लेकिन न्यू थिएटर के पांव हालात ने उखाड़ दिए थे। 1940 में कंपनी के स्टूडियो में भीषण आग लगी, सब कुछ स्वाहा हो गया। इन्हीं दिनों दूसरे विश्व युद्ध की आग से हिंदुस्तान भी झुलसने लगा। कलकत्ता के आसमान पर लड़ाकू विमानों के शोर से दहशत का माहौल था। गोरी हुकूमत ने बंगाल के संसाधनों को जंग में झोंक दिया था, इसलिए अकाल के हालात बन गए थे। शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते थे, सिनेमा घर सुनसान थे, न्यू थिएटर की हालत खस्ता हो गई। पूरब के उलट पश्चिम यानी बंबई में हालत अपेक्षाकृत बेहतर थी, लिहाजा वहां की फिल्म इंडस्ट्री कलकत्ता के कलाकारों और टेक्नीशियनों को मुंह मांगी कीमत दे रही थी। पृथ्वीराज कपूर, के एम सिंह और केदार शर्मा जैसे लोग न्यू थिएटर से विदाई लेकर बंबई जा बसे थे। कुंदनलाल सहगल अपने आप से लड़ रहे थे। जिस न्यू थिएटर ने उन्हें फुटपाथ से उठाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया था, उसे मुश्किल घड़ी में कैसे छोड़े। लेकिन न्यू थिएटर के मालिक बीएन सरकार ने बड़प्पन दिखाया और उन्हें कंपनी के एग्रीमेंट से मुक्त कर दिया। सरकार को मालूम था कि सहगल के पास बंबई से बड़ा आकर्षक प्रस्ताव है। जाते हुए सहगल से उन्होंने कहा, एक साल के लिए तुम न्यू थिएटर के एग्रीमेंट से आजाद हो, तुम्हारे लिए न्यू थिएटर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और कुंदन लाल सहगल चल पड़े पूरब से पश्चिम की ओर, कलकत्ता से बंबई के लिए ट्रेन में सवार, एक नया शिखर उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल हुआ ये था कि न्यू थिएटर से जब संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश ने विदाई ली और बंबई के रणजीत मूवी टोन के साथ काम शुरू किया, तो उन्हें वहां सहगल जैसी कोई आवाज नहीं मिली। उन्होंने मूवी टोन के मालिक चंदूलाल शाह से कहा कि हर हाल में सहगल को बंबई बुलाएं। चंदूलाल शाह देवदास में सहगल का अभिनय और गायन देख चुके थे। उन्होंने सहगल को 1,00,000 रुपए का प्रस्ताव भेजा, यानी करीब 10,000 रुपए महीने। न्यू थिएटर से तो ये रकम कई गुना ज़्यादा थी। सहगल बंबई पहुँचे शान से। रणजीत मूवीटोन की फिल्म सूरदास उनका इंतजार कर रही थी। सहगल का इतिहास जानने के बाद चंदूलाल शाह धार्मिक फिल्म से ही उनकी शुरुआत करना चाहते थे। अब देखिए सहगल के यश का शिखर। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है, जादू है, जादू
क्या जानू क्या जादू है इन दो मत वाले नैनों में। 1942 में आई फिल्म सूरदास में 15 गाने थे, इनमें 3 सूरदास के पद थे, तीनों सहगल ने गाए। हालांकि एक पद में कुंदनलाल सहगल के साथ उनके छोटे भाई महेंद्र ने भी अपना स्वर दिया था। ये पद था निस दिन बरसत नयन हमारे। महेंद्र ने इस फिल्म में श्री कृष्ण की भूमिका अदा की थी। फिल्म की नायिका खुर्शीद ने भी इस फिल्म के जरिए वाहवाही लूटी थी। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने से पहले सहगल के बारे में एक बात साफ करना जरूरी है। कलकत्ता के दिनों में ही सहगल को कमर और पैरों में दर्द ने सताना शुरू कर दिया था। डॉक्टरों को दिखाया तो कोई खास लाभ नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि शराब से दर्द कम हो सकता है। सहगल ने ये प्रयोग भी किया। उन्होंने पाया कि नशे में दर्द थोड़ा कम महसूस होता है। बस इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन वो कभी भी हद से ज्यादा नहीं गए। उनसे डाह रखने वालों ने सहगल और शराब के रिश्ते को लेकर अनेक कहानियां फैलानी शुरू कर दी। सहगल की लोकप्रियता को हालांकि आंच नहीं पहुंची, अलबत्ता झूठे प्रचार ने उनकी छवि को बाद के वर्षों में जरूर काफी नुकसान पहुंचाया। कुछ लोग जिनको अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था, उन्होंने बहुत सी बातें उड़ाई। बहुत दुखद है कि वो ऐसी बातें उड़ा के अपने आप को बढ़िया साबित कर गए लोग। पीपल डू एंजॉय लिकर। मिस्टर सहगल ऑल्सो ज़रूर पंजाबी आदमी थे, तो उनको ज़रूर लिकर का शौक था, बट नॉट टू द एक्सटेंट एज पीपल हैव मेड हिम पॉपुलर। सूरदास के बाद अगले ही साल सहगल ने अपना अब तक का सबसे बड़ा शाहकार फिल्मी पर्दे को भेंट किया। ये थी फिल्म तानसेन। संगीत सम्राट तन्नूलाल दीक्षित उर्फ तानसेन के जीवन पर बनी इस फिल्म में सहगल ने तानसेन की भूमिका निभाई थी। तुम कौन हो अजनबी? जर्रा नवाज, यही है वो दीवाना ए मौसिकी जिसकी तरफ बंद गाने आली का इशारा था। गुलाम ने बचश्मा खुद देखा है कि इस दीवाने ने अपने नगमों की बरकत से खुश्क सहरा को गुलिस्तान इरम बना दिया। नाम क्या है? मौसीकी के इस आशिक को तानसेन कहते हैं आलीजा। तानसेन? 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 सहगल ने कभी बाकायदा शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा था, मगर फिल्म के पर्दे पर जिस तरह दीपक राग उन्होंने गाया, उसने तानसेन को अमर कर दिया। जगमग जगमग दिया जलाओ।
भले ही हम सहगल की बात कर रहे हैं, लेकिन तानसेन में नायिका खुर्शीद का योगदान भी कम नहीं था। सहगल और खुर्शीद का ये युगल गीत आज तक हिंदुस्तानी फिल्मों के सबसे अच्छे युगल गीतों में शुमार है। फारूक, क्या मेरे वालदैन इसके खिलाफ है? देवदास के बाद तानसेन एक ऐसा चरित्र है जो हिंदुस्तान में लोगों के जेहन में नाम लेते ही सहगल के चेहरे से जुड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मुगल आजम में पृथ्वीराज कपूर और अकबर का किरदार। इन चरित्रों पर कितनी ही फिल्में बन जाएं, नाम तो सहगल और पृथ्वीराज कपूर के ही आते हैं। बहरहाल तानसेन के बाद सहगल का अनुबंध खत्म होने में सिर्फ 9 दिन बचे थे। चंदूलाल शाह ने इतने कम समय में भी एक फिल्म भंवरा बना डाली। हालांकि फिल्म नहीं चली, मगर इसके गीत बहुत अच्छे थे। भंवरा की बड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि केदार शर्मा एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, तो चंदूलाल शाह ने कहा कि कोई सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? उसने कहा एक महीना तो बहुत होता है, मैं आपको 15 दिन में फिल्म बना दूंगा। उन्होंने भंवरा नाम की लाइट फिल्म बनाई, जिसमें उसमें भी सहगल के गाने थे। भंवरा खत्म होते ही सहगल ने ट्रेन पकड़ी और ईमानदार प्रोफेशनल की तरह न्यू थिएटर में अपनी हाजिरी लगा दी। न्यू थिएटर के एग्रीमेंट से मुक्त होने का साल पूरा हो चुका था। बीएन सरकार खुश थे, हालांकि कंपनी की हालत अभी भी खस्ता थी। न्यू थिएटर ने सहगल को लेकर फिल्म बनाई माय सिस्टर। 7 गानों वाली ये फिल्म भी खूब चली। ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है? नैनों में नहीं तो सुध बुध खोए, नैनों में रहें तो सुध बुध खोए, छिपे तो चैन हरे, तू नैना तू नैना मतवारे तिहारे, हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। ओ ना चुपो ना ओ प्यारी सजनिया, हमसे चुपो ना चुपो ना, बाकी रसीली हमारी सजनिया, हमसे चुपो ना चुपो ना, सजन से चुपो ना ओ प्यारी सजनिया, हमसे चुपो ना चुपो ना। कलकत्ता उनकी जान थी, बॉम्बे में आकर वो चीज़ रही नहीं, उनकी सेहत भी गिर गई। और तब भी 1944 में जो न्यू थिएटर्स की कमिटमेंट थी माई सिस्टर, उसके लिए ही वेंट टू कलकत्ता। और जो दिल से वो गाए कातिब तकदीर, वो आपको लगता है कि बॉम्बे के गानों से वो चीज़ ही और है। कलकत्ता का माहौल, ही वॉज इन लव विद कलकत्ता। न्यू थिएटर की माली हालत खस्ता थी, ऐसे में सहगल को किसी अनुबंध से बांध कर रखना संभव नहीं था। ये बात अलग थी कि न सहगल कलकत्ता और न्यू थिएटर छोड़ना चाहते थे और न सरकार ही ऐसा चाहते थे। इसी को नियति कहते हैं। आप नहीं चाहते, लेकिन नियति आपकी जिंदगी की पटकथा पहले ही लिख चुकी होती है। भारी मन से कुंदनलाल सहगल ने एक बार फिर कलकत्ता से विदाई ली। बंबई के लिए ट्रेन में सवार सहगल, ये
1945 का साल था। असाधारण प्रतिभा के धनी लोगों के साथ कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर भी आता है जब देश और समाज उनकी प्रतिभा के स्तर पर नहीं होता और वो कुंठा के शिकार हो जाते हैं। सहगल शिखर पर थे लेकिन उनका सूनापन कोई नहीं समझ रहा था। वो वक्त की रफ्तार से आगे चल रहे थे, क्या करते? उन्होंने तय किया अब किसी कंपनी के अनुबंध से नहीं बंधेंगे और वैसे भी इतने महंगे सुपरस्टार को कोई कंपनी अपने एग्रीमेंट में बांध भी नहीं सकती थी। अभिनय और गायन के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते थे और कंपनियां उनकी कीमत अदा नहीं कर सकती थीं। यही था शिखर का सूनापन। देखिए इससे आगे की दास्तान। ऐ काशिप तकदीर मुझे इतना बता दे क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है? इस बार सहगल सुर सम्राट की तरह बंबई लौटे थे लेकिन दिल कलकत्ता के न्यू थिएटर में ही छूट गया था। मन उलझन में था, जहां दिल रहना चाहता था वहां अवसर नहीं थे और जहां अवसर मिल सकते थे वहां प्रतिभा के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे थे। सहगल सोचते शिखर पर होना कितना तकलीफ देह है। निर्माताओं को लगता था कि जितनी सहगल की फीस है उतने में तो आधी फिल्म बन जाएगी। इस दुविधा के कारण बहुत दिन तक किसी फिल्म का ऑफर नहीं आया। आर्थिक संकट बढ़ने लगा, रोज शाम को पीने की तलब होने लगी। सहगल संकट में थे। ऐसे में कलकत्ता के किसी दोस्त से दिल की बात बयान की। तब कलकत्ता के यूनिटी प्रोडक्शन ने सहगल को लेकर कुरुक्षेत्र फिल्म बनाई। सहगल को अपनी फीस से आधे से भी कम पैसे में काम करना पड़ा। इसमें उन्होंने 4 गीत गाए, फिल्म नहीं चली। कुरुक्षेत्र के बाद जयंत देसाई प्रोडक्शन ने फिल्म तदबीर में सहगल को लिया। इसमें भी सहगल को आधे से कम पैसे मिले और ये फिल्म भी नहीं चली। सहगल निराश थे। फिल्म इंडस्ट्री में यह संदेश जा रहा था कि सहगल साहब की फिल्में पिट रही हैं। सहगल किसे मन की बात बताते? मजबूरी में फिल्में साइन की थीं। फ्लॉप होना तो पहले दिन से ही तय था। इसके बाद 1946 में आई मुरारी पिक्चर्स की उमर खैयाम, अफसोस ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। पिटी फिल्मों की एक बार फिर हैट्रिक। सहगल को लगा कि अब उनकी पारी का अंत निकट है। अक्सर डिप्रेशन में वो जालंधर जाने की सोचने लगते और एक दिन तो उन्होंने फैसला भी कर लिया कि बंबई छोड़ देंगे। ट्रेन का टिकट लेते इसी बीच कारदार प्रोडक्शन की फिल्म शाहजहां का ऑफर आया। संगीत निर्देशक थे नौशाद, गीत मजरूह सुल्तानपुरी और खुमार बाराबंकी ने लिखे थे। शाहजहां में सहगल ने एक दुखी शायर का किरदार अदा किया था। मैं रूही से ज्यादा जिद्दी हूं, हक मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं, मुगल सल्तनत के सबसे जलीलुल कदर सुल्तान का वादा मांगता हूं, मगर तू रूही को कायल ना कर सकेगा। क्यों ना कर सकूंगा? जो सुहेल साहब करान जैसी अजीम शान हस्ती को जन्नत की सैर करा सकता है वो एक अल्हड़ और नादान लड़की को अपना हम ख्याल भी बना सकता है। मेरा वक्त बर्बाद ना कीजिए। इस फिल्म के गीतों ने एक बार फिर सहगल को सुर सम्राट का ताज पहना दिया। गीतों ने धूम मचाई, सहगल खुश थे, लेकिन फिल्म देवदास या तानसेन के आगे कहीं नहीं ठहरती थी। देखिए इस फिल्म के कुछ गीत। हम दिए मुस्तकिल
कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया। ये ऐसा मौका आया कि मैं उनके साथ काम करने का एक वक्त आया था जिस तस्वीर में हमने दोनों काम किए, लेकिन आपस में कभी मुखातिब नहीं हुए हम लोग। वो तस्वीर थी शाहजहां। तो जब शूटिंग होती थी तो मैं उनके कपड़े उपड़े पहनाता था। तो उनके गाने से ज़्यादा उनके मुकालमे मुझे बहुत पसंद है। जैसे दाना दाने पे यानी लफ्ज इस तरह उनका तलफ़ था साफ गलत। मैं रिकॉर्डिंग रूम में बैठता था और उनके डायलॉग सुनता। बहरहाल शाहजहां के बाद भी सहगल का दिल भटक रहा था। वो माया नगरी छोड़ अपने वतन लौटना चाहते थे। शाहजहां पूरी होते होते उन्हें जीत प्रोडक्शन की फिल्म परवाना का निमंत्रण मिला। इस फिल्म को उन्होंने उकताहट में पूरा किया। फिल्म का ये गीत आपके लिए पेश है। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है तबीयत और घबराती है, जब बहलाई जाती है तबीयत और घबराती है, जब बहलाई जाती है। परवाना पूरी होते होते बंबई से सहगल का मन भर गया। सेहत और बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने आबोहवा बदलने की सलाह दी। एक दिन सहगल ने ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट लिया और जालंधर रवाना हो गए। वो 26 दिसंबर 1946 की तारीख थी। मैं उनको स्टेशन ले गया, उनको कंपार्टमेंट में सब बाकायदा सा हो गया इंतज़ाम। वो बाहर जैसे मैं बैठा हूँ ना, ये प्लेटफॉर्म है, ये पीछे गाड़ी है, समझ गए ना। तो मैंने कहा सहगल अंदर हो जाएगा, नहीं किचन यहीं बैठूँगा। तो बैठे रहे, तो मैं खड़ा था, गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी गई, मैं खड़ा रहा वहीं पर जब तक मुझे भी नज़र आए वो। तो बाद में फिर उनका ख़त आया कि रुख्सत के वाक़यात यहाँ तक तो याद है, देखा किए तुम्हें हम जहाँ तक नज़र गई। जालंधर में घर परिवार के बीच सहगल खुश थे। सेहत भी शुरुआत में सुधरती दिखाई दी, लेकिन चंद रोज बाद ऐसी बिगड़ी कि बिस्तर से उठ न पाए। दवाओं ने असर बंद कर दिया। नया साल आया, भारत की आजादी का साल, लेकिन देश की आजादी देखने के लिए सहगल मौजूद नहीं थे। 18 जनवरी 1947 को सुर सम्राट कुंदनलाल सहगल हमेशा हमेशा के लिए अपने आखिरी सफर पर चले गए। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। सदाएं मिट गई सारी, सदाए एहसास बाकी है, अभी दुनियाए मौसीकी का कुछ एजाज बाकी है। जो नेमत दे गया है तू वो नेमत कम नहीं सहगल, जहां में तू नहीं लेकिन तेरी आवाज़ बाकी है। सहगल को फरामोश कोई कर नहीं सकता, वो ऐसा अमर है कि कभी मर नहीं सकता। कुंदन लाल सहगल अपनी गायकी साथ नहीं ले गए। उनके जाने के 70 साल बाद भी हर पीढ़ी के गायन में सहगल का नया अवतार नज़र आता है। सहगल की शैली
और अंदाज की नकल हिंदुस्तान के सारे बड़े गायक करते रहे हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी से लेकर आज तक नए गायक कर रहे हैं और न जाने कितने साल तक करते रहेंगे। हमारे दिलों में आज भाषा और प्रांत को लेकर पूर्वाग्रह हैं, मगर एक दौर ऐसा भी था जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सहगल ही सहगल थे। हिंदुस्तान के बाहर भी उनकी आवाज़ का जादू आज तक बरकरार है। इस एपिसोड में अब हम दिखाएंगे दुनिया भर में सहगल का जादू और छोटे बड़े जाने अनजाने नए पुराने चेहरों से झांकते सहगल के रूप। उस दौर के हिंदुस्तान में सहगल की लोकप्रियता बेजोड़ थी। पूरब में बंगाल हो या उत्तर में जम्मू, पश्चिम में बंबई हो या दक्षिण में मद्रास, देवदास का तो तमिल संस्करण भी बना था। सहगल ने उसमें अपने अनूठे अंदाज दिखाए थे। वो पंजाबी में गाते थे, हिंदी उर्दू पर उनका समान अधिकार था। उनके बंगला गायन के लोग दीवाने थे और फारसी पर भी उनका वैसा ही हक था। हिंदुस्तान के बाहर भी उनके चाहने वाले कम नहीं हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत कई देशों में लोग सहगल के दीवाने हैं। कातब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम बाबुल मोरा नैहर छोटो जाए। एक ऐसी रचना है जो निकली तो वाजिद अली शाह की कलम से, लेकिन उसे अमर बनाया कुंदन लाल सहगल ने। हम आपको दिखाते हैं इस बेजोड़ रचना को सहगल के बाद कितने बड़े बड़े गायकों ने स्वर दिया। बाबुल मोरा Yeah.
लग जा गले। हिंदुस्तान में अपने गायन से किंवदंती बन चुकी लता मंगेशकर खुद भी एक दौर में सहगल की दीवानी थी। बचपन में या तो मैं अपने पिताजी को गाते हुए सुना करती थी, या मुझे पसंद था सहगल साहब का गाना। उनके सुरों का असर 50 सालों से मेरे संगीत के साथ साये की तरह चल रहा है। सो जा मैं बलहारी, और एक झलक ये भी। मैं क्या जानू क्या जानू है, एक एक अथा सागर सा है, एक एक अथा सागर सा है, इन दो मतवारे नैनों में जादू है। भारतीय गायकी को उन्होंने एक नया आयाम दिया, नई दिशा दी और एक नई स्टाइल दी, जिसको के बाद के सब कलाकारों ने फॉलो किया। जो मोहम्मद रफ़ी ने भी फॉलो किया, मुकेश ने टोटल फॉलो किया, किशोर ने फॉलो किया। किशोर ने तो कहा कि मेरे असली गुरु सहगल थे। तो इन सबको आयाम दिया। और दूसरा एक और चीज़ जो उन्होंने दी कला प्रेमी के नाम से, सीधी सादी गायकी को पॉपुलर किया, बिल्कुल सीधी सादी गायकी, जो आखिर में जगजीत तक ने किया। अक्सर यह होता है कि जब कोई महान शख्सियत इस दुनिया से विदा लेती है, तो कुछ दिनों तक रोने धोने और शोक मनाने के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन सहगल का जादू हम पर कुछ इस तरह चला है कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सहगल और शिद्दत से याद आते हैं। हमने 3 पीढ़ियों की नुमाइंदगी कर रहे कुछ कलाकारों के भीतर कुंदन लाल सहगल को धड़कते हुए देखा। यह है संगीत की छात्रा तारा, मातृभाषा मलयालम। 10-11 बरस की छात्रा तारा को कुंदन लाल सहगल की गायन शैली ने जैसे सम्मोहित कर दिया है। सोजा राजकुमारी वो तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब ये सुलाकर गाकर सुलाया करते थे पापा, और ऊपर से उनकी आवाज़ में जो इतना जादू होता है, सुन सुन के इतना अच्छा लगता है कि बार बार सुनने का भी मन करता है और गाने का तो बहुत मन करता है। एक भजन है उनका मधुकर श्याम हमारे चोर, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। उनका स्टाइल, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मनहर लीनो माधुरी मूरता, मनहर लीनो माधुरी मूरता,
साधु कर शाम हमारे जो। और ये हैं बांग्ला संगीत की जानकार शोमा मुखर्जी। कुंदन लाल सहगल के बांग्ला गीतों ने उन्हें संगीत में डुबो दिया। आज सहगल को गाए बिना उनका दिन पूरा नहीं होता। ए दीना जी कुन घरे गो खुले दिलो दार, आजी प्राते शुर जो उठा सफल होलो कार। मेरा परिचय उनसे हुआ जब मेरे पिताजी गाना सुना करते थे उनका, और बचपन में हुआ। उनके गाने हम सुन के बड़े हुए हैं। কাহারো অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে, কাহারো অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে, উষা কাহার উষা কাহার আশিস বহি হলো আধার পার, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার। বাংলা গানে যো হ্যাঁ उनकी जो खासियत है वो और भी अजीब है। वो ये है कि उनका उच्चारण बहुत ही स्पष्ट है बांग्ला में भी। वो पहले शख्स थे जो कि रविंद्र संगीत उन्होंने गाया जो गैर बंगाली थे। आज खेला भांगर खेला, आज खेला भांगर खेला, खेल भी आए 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 आए, खेला भांगर खेला, सुखेर बासा भेंगे सुखेर बासा भेंगे, फेल भी आए 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 आए, खेला भांगर खेला, खेल भी आए 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 आए, खेला भांगर खेला। उनकी आवाज जो है वो सुरीली तो है ही, एक क्वालिटी है जो कि आपको खींचती है उनकी ओर। दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरे बचा कर, गम की नजरों से नजरे बचा कर, उठ के वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना, हाय हाय ये जालिम जमाना, गम दिए आरपी सिन्हा यूं तो सारी उम्र सरकारी सेवा में रहे, लेकिन बचपन में ही सहगल से रिश्ता बना बैठे थे। रिटायरमेंट के 15 साल बाद भी वो सहगल को गाते हैं और जवान हो जाते हैं। मैं जब छोटा था तो मेरी माताजी, जिन्होंने कभी संगीत सीखा नहीं था, लेकिन ये कि उनकी आवाज़ भगवान की दी हुई बहुत अच्छी थी, तो वो मुझे इतना याद है कि बचपन में, चूँकि वही ज़माना था जब ये गाने चलते थे, तो मुझे बचपन में ये लोरी सो जा राजकुमारी सुनाया करती थी, और बचपन से ही मेरे कानों में ये स्वर पड़े हुए। लाख सही हम लाख सही हाँ, लाख सही हम लाख सही हम, एक ही बतिया एक सही ना जाए अब, एक सही ना जाए, जाए रहे सौ दिन घर निस दिन, जाए रहे सौ दिन घर निस दिन, जाए रहे सौ दिन घर निस दिन, हम राजी कल पाए, हम राजी
का एक प्राइवेट रिकॉर्ड देव गांधार राग पर आधारित झुलुना झुलाओ निकल चुका था, जो कि 50,000 कॉपीज इसकी बिकी थी। झूलना झूलाए आवोरी, झूलना झूलाए झूला आवोरी, झूलना झूलाए झूला आवोरी, अम्बवा की रारी है, कोयल बोले रामा, दीपक बिना। उम्र के 80 पड़ाव देख चुके नायनन कोशी केरल के हैं। बचपन में अपने गांव में सहगल की आवाज पहली बार सुनी, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। केंद्र सरकार की सेवा में रहे नायनन कोशी आज भी सहगल को डूब कर गाते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने सहगल की 100वीं सालगिरह पर एक खास प्रोग्राम किया और उसमें उन्हें सम्मानित किया। आंख बंद कर नायनन को सुनिए, आपको लगेगा जैसे सहगल गा रहे हैं। दिया जला ओ जगमग जगमग, दिया जला ओ जगमग जगमग, दिया जला। पाँच सात साल से गाना शुरू किया सहगल के गाने। तो इन दोज डेज मैं बेंगलोर में रहते थे, लेकिन ये रिकॉर्ड बहुत सुनते थे इनके रिकॉर्ड बहुत सुनते थे। मेरे ग्रैंडफादर के यहाँ भी थे, बहुत रिकॉर्ड थे, वो सुनते रहते थे ना। तो उनके गाने का शौक उसी दिन से लगा हुआ है। 1945-46 से दिया जलाओ, दिया मनाओ मनाओ मना, ओ जगमग 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 जगमग, दिया जला। साइकिल के ही रिकॉर्ड सुनते थे हम बचपन में, तो उसी समय से गाना शुरू किया मैंने। और यहाँ दिल्ली आने के बाद मैंने क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग भी लिया गंधर्व महाविद्यालय में, और तो उसके बाद भी परफॉर्म करते रहे, बहुत जगह परफॉर्म करते थे साइकिल के गाने। करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई, दिया मुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए, दिया मुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए, मिटती आस है जो तक अन्न की, मिटती आस है जो तक अन्न की, समझ गई तो गई, करूं क्या आस निराश भई। जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ हिज वॉइस, the beauty of his voice, तो केरला तमिलनाडु कर्नाटक सब में फैला हुआ था उनका, उनके रिकॉर्ड्स। हर माँ के बहे आंसू, हसरत ने भरी आहें, हर माँ के बहे आंसू, हसरत ने भरी आहें, हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। ये तो छोटी सी बानगी है, लेकिन हम दावा कर सकते हैं कि सदियों तक कुंदन लाल सहगल की आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता रहेगा। सहगल के बिना हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं है।
ऐसा कोई फ़नकार मुकम्मल नहीं आया, नगमों का बरसता हुआ बादल नहीं आया। संगीत के माहिर तो बहुत आए हैं, लेकिन दुनिया में कोई दूसरा सहगल नहीं आया। कुंदन लाल सहगल, हम तुमको प्यार करते हैं। कुंदन लाल सहगल जैसे लोग बार बार जन्म नहीं लेते, वो एक बार आते हैं और गुलशन को हमेशा महकाते रहते हैं। अलबत्ता हमें खेद है कि सहगल का हुनर आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए हमने गंभीरता से कोई काम नहीं किया। नई जनरेशन के जो लोग सहगल को याद करते हैं, वो अपने प्रयासों से उनके बारे में जानते हैं। आज कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके पाठ्यक्रमों में सहगल पढ़ाए जाते हैं, कितने शोध प्रबंध सहगल पर किए गए और कितने विश्वविद्यालय सहगल के नाम पर शुरू किए गए। इन सारे सवालों का उत्तर बेहद निराशाजनक है। इस कसक के साथ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, इस वादे से कि विरासत के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी महानायक से। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐ कातिब तकदीर, मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी मुझको फकत दो रंजो गऊँ, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है।